मधुमालती एक बहुत ही सुंदर फूल वाला पौधा है। यह पौधा कम जगह और कम पानी में भी अधिक हरियाली प्रदान करता है। इस पौधे को अगर आप गार्डन में लगाते हैं अपने, तो यह रंग बिरंगे फूलों से आपके गार्डन की शोभा को बढ़ा देता है। साथ ही साथ यह बहुत ही छांव प्रदान करता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल मेरा बगीचा में। दोस्तों, मैं आज जो है इस वीडियो में रंगून क्रीपर, जिसको जो है कि मधुमालती के नाम से भी जाना जाता है, इस वीडियो के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। मधुमालती जो है लता वाला फूल होने के कारण घरों के मेन गेट पर या फिर दीवारों के किनारे पर आसानी से लगाया जा सकता है या फिर लगाया भी जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों के किनारों पर लगाते हैं। अगर नहीं आप जानते हैं तो आप जान लीजिए, आप इसे अपने घरों के किनारों पर लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मैं अपनी दीवार के किनारे पर लगाया हूँ और ये इसमें गुच्छे में फूल आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो है लता हरियाली के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे पर्यावरण संरक्षण का कैसे काम करती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह जो है लता हमारे वातावरण में से CO2 को अवशोषित करके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन को प्रदान करती है हमें। इसीलिए जो है कि यह हमारे पर्यावरण का संरक्षण का भी काम करती है। यह जो है कि संरक्षण के साथ साथ घरों एवं गार्डन की खूबसूरती को भी बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों, इसके पत्ते जो है पानी को वाष्पोत्सर्जित करते हैं, जिससे हवा का तापमान और सूखापन घटता है। मधुमालती की जो लताएं होती हैं वो घनी होती हैं, इसके कारण गर्मियों में दीवारों की जो धूप होती है, दीवारों पे जो डायरेक्ट धूप पड़ती है, उससे जो है इसके पत्ते जो है उस धूप की मार को बचाती है। दोस्तों, मैंने इसे जो है एक गमले में लगाया है, एक बड़ा सा जो है कि तेल का कंटेनर था उसी में काट करके लगाया है, ये देखिए, और काफ़ी अच्छी इस पर ग्रोथ हो रही है। मैंने इसको कलर भी कर दिया था और कलर करने के बाद इसमें लगा दिया था। इस तरीके से जो है कि मैंने लगाया हुआ है और आप जो है इसको आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, जो है कि मधुमालती का अगर प्लांट अपने घर पर लगाते हैं तो ये जो धूप को जो है डायरेक्ट सनलाइट जब आती है तो उसको जो है बचाती है, बचाने का भी काम करती है। मधुमालती एक ऐसी लता है जो साल भर हरी भरी रहती है और इसके फूल गुच्छों में आते हैं। ये देख लीजिए, ये सामने जो है इसके फूल है गुच्छों में आते हैं और इसमें से भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। मधुमालती के फूल बहुत सुंदर होते हैं। दोस्तों, अगर आपने नहीं लगाया है तो इस गर्मियों में आप जो है एक पौधा मधुमालती का ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। दोस्तों, मधुमालती के फूल की एक खास विशेषता मैं आपको बता दूं, इसके फूल रंग बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन सुबह में जब इसके फूल खिलते हैं तो ये जो है सफ़ेद रंग के होते हैं, और दूसरे दिन वही फूल गुलाबी रंग में बदल जाते हैं, और तीसरे दिन वही फूल जो है सेम लाल रंग में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, इस मधुमालती के फूल की एक विशेषता होती है कि वो इसके कलर जो है बदलते रहते हैं। इसकी लता को आप अपने बालकनी पे, छत पे, खंभे के आस, दीवारों को कवर करने के लिए एक बेहतरीन तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। यह एक बेहतरीन लता वाला प्लांट है। दोस्तों, आप इसको अपने गार्डन में इस गर्मियों में ज़रूर लगाएं। मधुमालती को आप बड़े गमले में, जैसा कि मैंने लगाया है थोड़ा सा बड़ा, उस तरीके का बड़ा गमला ले सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं आप, ज़मीन में भी लगा सकते हैं आप इसको। उसके साथ साथ आप इसको किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। यह जो है कि बहुत तरफी प्लांट होता है, किसी भी मिट्टी में आसानी से एक बार जर्मिनेशन हो जाता है तो उसकी जड़ें जो है काफ़ी अच्छे से उसमें सेट हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जिस मिट्टी में आप लगा रहे हैं उस मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, लेकिन पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए, पानी जो है एकदम ड्रेन होना चाहिए। इसके लिए, इस प्लांट के लिए दोस्तों अत्यधिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप इसके लिए कोई भी एक ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, सूखे पत्तों की खाद हो गई, या फिर अपने घरों के जो भी प्लांटों में डालने के लिए खाद बनाते हैं वो भी आप खाद इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्लांट को खाद नहीं भी देते हैं तो भी इसकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यह अपनी जर्मिनेशन उसी तरीके से बढ़ाता रहेगा अगर खाद नहीं मिलता है तो भी। दोस्तों,
दिन भर में इसे कम से कम 4 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यह धूप में खिलने वाला प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग तभी होती है जब अच्छी होती है, जब इस पर कम से कम 4 से 5 घंटे की सुबह की धूप मिलती रहती हो। दोस्तों मधुमालती की लता जो है दोस्तों अगर ज़्यादा बढ़ने लगे तो आप अपने इसे अनुसार इसे छांट देते हैं, तो छांटने के बाद एक मनपसंद आप चाहें तो सेप दे सकते हैं, क्योंकि अगर इसको छांट देते हैं तो इसमें जो है कि अधिक से अधिक नई नई ब्रांचें निकलेंगी और उस पर अधिक से अधिक फ्लावरिंग आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इस गर्मी में एक पौधा मधुमालती का जो है, या फिर रंगून क्रीपर भी जिसको बोला जाता है, उसको आप अपने गार्डन में लगा करके अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और आपसे निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई मैं नई वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।